तो रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच रोजाना डराने वाली खबरें सामने आ रही हैं। अब दावा किया जा रहा है कि देश में किस तरह से यहां पर हालात बन सकते हैं। साल के आखिर तक पुतिन उस सरमत 2 मिसाइल का परीक्षण कर सकते हैं जिसे पुतिन की बारूद फैक्ट्री में कयामत माना जा रहा है। पुतिन की 14 मंजिला वॉर मशीन एक्टिव। सरमात मिसाइल के परीक्षण की तैयारी। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस को दहलाने वाली प्लानिंग। पुतिन यूक्रेन के खिलाफ अब तक एक से बढ़कर एक हथियारों का इस्तेमाल कर चुके हैं। बावजूद इसके पुतिन की सेना यूक्रेन में वो कमाल नहीं दिखा पाई जिस कमाल की कयास लगाए जा रही थी। ये पुतिन की सेना की मजबूरी ही थी कि ईरान के आत्मघाती ड्रोन के सहारे यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन यहां भी यूक्रेन की सेना ने ऐसा पलटवार किया कि ईरान से मिले 400 से ज्यादा ड्रोन को मार गिराया गया। और अब यही वजह है कि पुतिन यूक्रेन के खिलाफ प्रलय वाली मशीन का बटन ऑन करने जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन अब उस सरमात 2 मिसाइल का परीक्षण करने जा रहे हैं जिसे पुतिन की बारूद शाला में कयामत वाला हथियार कहा जाता है। रूस की सरमात एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इस मिसाइल की ऊंचाई 14 मंजिल जितनी है। इस मिसाइल की ऑपरेशनल रेंज 18,000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 15,880 मील प्रति घंटे की रफ्तार से लक्ष्य को तबाह करने की ताकत रखती है। इसे दुनिया के सबसे वजनी मिसाइलों में से एक माना जाता है। इस मिसाइल की रेंज में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश आते हैं। यानी पुतिन के परमाणु दस्ते का अब वो हथियार एक्टिव होने वाला है जो पल भर में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों के शहरों को मिनटों में तबाह कर सकता है। और अब रूस के रक्षा मंत्रालय के अधिकारी ने स्टेट न्यूज एजेंसी टास को बताया है कि पुतिन की सेना इस दैत्याकार वॉर मशीनरी का परीक्षण आने वाले कुछ दिनों में कर सकती है। सरमात 2 की उड़ान और इसके डिजाइन का परीक्षण इस साल के अंत से पहले किया जा सकता है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ पॉल क्रेग रॉबर्ट इस बात का दावा कर चुके हैं कि रूस की 5 या 6 सरमात मिसाइलें अमेरिका के पूर्वी तट को पल भर में राख के ढेर में तब्दील कर सकती है। रूस ने सबसे पहले इस मिसाइल का परीक्षण अक्टूबर 2017 में किया था और अब एक बार फिर इस मिसाइल के परीक्षण की तैयारी चल रही है। यानी पुतिन के निशाने पर वो तमाम देश हैं जो इस वक्त यूक्रेन युद्ध में उसके सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़े हैं। पुतिन सरमात मिसाइल के परीक्षण के जरिए सीधे सीधे ये संदेश देना चाहते हैं कि उनके इरादे किसी भी देश की धमकी के आगे सरेंडर नहीं करने वाले। और अगर कोई उनके सामने चुनौती बनकर खड़ा होता है तो उसके खिलाफ वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।